नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा, व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 36 रुपए बढ़े। हिमाचल में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश, कोरोना से माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस होगी माफ। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की कवायद शुरू। गैर हिमाचलियों को नौकरियां बांटने पर कांग्रेस का धर्मशाला में हल्ला बोल। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष बोले, लैंडस्लाइड वाले स्थानों को करेंगे चिन्हित। रोहतांग जाने वाले सैलानियों को राहत, वाहन परमिट जांच के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में एक बार फिर गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। व्यावसायिक सिलेंडर के लिए अब हिमाचल में 1 अक्टूबर से 1908 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि गृहिणियों को इस महीने राहत रहेगी। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम इस बार नहीं बढ़े हैं। सितंबर के रेट ही इस माह भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपए में मिलेगा और सब्सिडी के तौर पर 31 रुपए उनके बैंक खातों में लौटाए जाएंगे। बता दें कि बीते माह व्यावसायिक सिलेंडरों के दामों में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और इसी के चलते महंगाई की मार झेल रही जनता की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 2 नवंबर को होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने होंगे और 11 को नामांकन छंटनी और 13 तक नाम वापस हो सकेंगे। 28 अक्टूबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने पार्टियों से लेकर आम लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूल प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने माता पिता और 280 बच्चों ने एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगस्त में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। 2-3 दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाते हुए निदेशालय को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। वहीं दूसरी ओर कोविड से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों व कोरोना महामारी के खिलाफ अन्य गतिविधियों में शामिल थे। मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। संबंधित परिवार राज्य प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए फॉर्म के माध्यम से अपना दावा पेश कर सकते हैं। DC हमीरपुर ने कहा है कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित SDM कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे और सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बिजली विभाग में बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने पर कांग्रेस हिमाचल सरकार को जमकर कोस रही है। कांग्रेस लगातार BJP सरकार पर हिमाचली युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। इसके चलते कांग्रेस जगह जगह आक्रोश रैली निकालकर युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला में कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने अन्य राज्यों के लोगों को नौकरियां बांटकर युवाओं से अन्याय किया है
उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल ही में जेई के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। ये प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जिसका नतीजा जयराम सरकार को आगामी 30 अक्टूबर को हो रहे उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कहा कि देश के और राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में हर साल प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होती हैं। इस साल भी प्रदेश को बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। आपदा के बाद उसके निवारण के लिए तो काम किया ही जाता है, लेकिन अब आपदा से पहले ही इसे रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे स्थान जहां पर हर साल या तीसरे साल लैंडस्लाइड होता है, उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद उन स्थानों का जियोलॉजिकल सर्वे करवाकर उसकी जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इन चिन्हित स्थानों पर रिटेनिंग वॉल और सपोर्टिंग वॉल सुरक्षा की दृष्टि से लगवाई जाएगी। जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए अब देसी व विदेशी सैलानियों तथा वाहन चालकों को गुलाबा व कोकसर बैरियरों पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रोहतांग पास परमिट की वैधता जांचने के लिए जिला प्रशासन कुल्लू ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एक नई मोबाइल ऐप विकसित की है। डीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि पहले ये काम काउंटर पर कंप्यूटर के द्वारा होता था, लेकिन अब ये काम मोबाइल ऐप के द्वारा वाहन के पास जाकर ही परमिट को स्कैन करके चंद सेकंड में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालकों को अपना वाहन छोड़कर काउंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि बैरियर कर्मचारी ही अब उनके पास जाकर परमिट जांच करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।